हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण को लेकर पूर्व जेल मंत्री ही अंतर से आर्य इनको ज्ञापन सौंपा गया। उनने मांग की है कि इनकी गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण किया जाए और इनने बोला है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से इनकी 10 मिनट के लिए मुलाकात करवाई जाए, उनका नियमितीकरण ऊपर बात की जाए। तो पूरा आपको वीडियो आगे दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी अपडेट पान करें। पूरी विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो में बने रहे। ज्ञापन सौंपा अतिथि शिक्षक संगठन के संभागीय प्रदेश अध्यक्ष साहेब राव पाटिल ने बताया कि उनके द्वारा निरंतर अतिथि शिक्षकों की आवाज उठाई जा रही है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अतिथि शिक्षकों द्वारा न्यूनतम वेतन के साथ अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही है और लगभग 14 सालों से वो लगातार इस आस में है कि उनकी नियमितीकरण की मांग की सुनवाई जल्द से जल्द हो। आज लगभग 150 से अधिक शिक्षकों द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व जेल मंत्री से भेंट कर उन्हें अपनी समस्या बताए और समस्या का शीघ्र निराकरण करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संभाग अध्यक्ष साहेब राव पाटिल, शंभू वलोके, प्रधान मुजालदा चंपालाल लोहारे, राजेश मेहरा, संगीता वर्मा, जितेंद्र खांडे सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? सर मैं साहेबराव पाटिल, संभागीय अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ इंदौर। सर ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा? सर आज हमने सेंधवा में पूर्व जेल मंत्री अंतर सिंह आर्य को ज्ञापन दिया, अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित कर विभागीय एग्जाम लेकर नियमित करना चाहिए। और दूसरा हमारा समस्या ये थी कि मुख्यमंत्री महोदय हमें बैठक के लिए समय नहीं दे रहे, तो हमने उनको बोला कि हमें एक 10 मिनट का समय मुख्यमंत्री के साथ अतिथि शिक्षकों की बैठक की जाए, इसलिए ज्ञापन दिया। अच्छा, कहाँ कहाँ से आए थे शिक्षक और कितने शिक्षक शामिल हुए? सर मिनिमम 150 से लगभग 150 से ऊपर शिक्षक थे और पूरे सेंधवा, निवाली, भिकरी, अंजड़, राजपुर के सभी अतिथि शिक्षक एकत्रित हुए थे। पूर्व में भी ज्ञापन दिया था, कुछ निराकरण हुआ उनका? पूर्व में ज्ञापन दिया हम लोगों ने, पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। लगत हम सत्तारूढ़ पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनको ज्ञापन देते जा रहे हैं, पर हमारा अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। आगे क्या रणनीति बनी? आगे हमारी यही रणनीति रहेगी कि जब तक सत्तारूढ़ पार्टी 2023 के आचार संहिता नहीं लगती तब तक हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है हमारा, तो हम स्वतंत्र रहेंगे, हमारा स्वयं का निर्माण हम स्वयं कर सकते।